नमस्कार, मैं हलका शर्मा ते तुसी देख रहे हो डेली हितैषी। बीते दिन लुधियाना पुलिस वालों एक बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया, जिस विच एडवोकेट वरुण गुप्ता ने कंप्लेंट की। एसटीएफ इंचार्ज हरवंत सिंह के खिलाफ उन्होंने कहना सी कि वरुण गुप्ता के ना उन्होंने केवल हाथ चुकया बल्कि उन्होंने पैरालाइज पिता के नाल भी उन्होंने मिसबिहेव किया, जिस करके सारे वकीलों ने जिला कचहरी के बाहर धरना लाया। तो तुसी देख सकते हो कि अज भी यह धरना कंटिन्यू है। बुद्धिजीवी लोग है, यह फुद्दीजीवी लोग नहीं आ। जेड़े फुद्दीजीवी नु तुसी रोड़ा दे बेचारे परचे दर्ज कर दे ने झूठे, असि बुद्धि वर्ग है। पुलिस प्रशासन खरीदे पे आ, आज पांच दिन हो गए आ, एक लंडू दे परचे नहीं दर्ज हो रहा, एक लंडू दे नहीं परचे दर्ज हो रहा। प्रधानमंत्री नु अंदर भेज देने, एमपी नु आ की है भाई है। हेलो सर, सर तुहाडे नाल जो ये पूरा मामला वापर रहा है, तुसी सरकार नु की अपील करना चाहते? मैं सर सरकार नु सिर्फ ये अपील करदा कि पुलिस पब्लिक दी प्रोटेक्शन वास्ते है, ना कि पुलिस नु तुसी इन्ने खुले राइट्स दे दो कि वो अपने आप नु रब समझन लग जान, कि जिन्हों मर्जी मारो जिन्हों मर्जी कुटो, उस तो बाद कह दो डोंट माइंड। क्या सरकार ने वो अफसर पब्लिक नु डोंट माइंड कहन वास्ते रखिया? मेरी सरकार दे अगे सिर्फ आ रिक्वेस्ट है कि जिहड़ा एसटीएफ दे विच ए थानेदार है, इदां दे थानेदार दी लोड़ नहीं। ए थानेदारां नू इस थानेदार नू तुसीं इन्नी पावर दित्ती है, जिहदे उत्ते मर्जी परचा दर्ज कर दे इनकुआरी बाद चों, जिहते मर्जी परचा दर्ज कर दे इनकुआरी बाद चों। मैं सरकार नू आ रिक्वेस्ट कर रहा, सर काइंडली लुक इन टू द मैटर, लुक इन टू माई ग्रीवियंस, लुक इन टू ग्रीवियंस ऑफ अ एडवोकेट। मैं चाहना वा सरकार तो ये अपील करदा कि सर काइंडली इस अफसर नू जल्द तो जल्द डिसमिस करो, ते इहदे करके होर जिहड़े अफसर ने उन्हां नू उन्हां ते कार्रवाई की जाए। इस अफसर ने जिहड़े परचे दर्ज किए ने उन्हां दी इनकुआरी की जाए, जिहड़े विक्टिम सानू आके मिल रहे ने उन्हां दी गल्लां सुनिया जाण, तां इत्ते कार्रवाई की जाए। वेरिफिकेशन की जाए, ऐसी एक डिसमिस किया जाए, सच का सच झूठ का झूठ आपे निकल जाएगा। फ्री एंड फेयर चलो जी, ट्रांसपेरेंसी ना चलो, सारी गल क्लीयर है। सरकार का यही मोटिव है, फ्री एंड फेयर चलो जी, असं रेडी हाँ। हर एक चीज़ में असं कोऑपरेट करने रेडी हाँ, पर असं कुट नहीं खा सकते। सर तुसी इस बारे की कहना चाहते हो? मैं एक गल कहना चाहना भी बड़ी हैरानी हो रही है, चार दिन हो गए इस वाक्य नू क्रिस्टल क्लीयर अक्रेंस होया भी एक वकील नाल अनइडेड अनवरंटड टॉर्चर मार कटाई धक्का होया,
फिर भी सरकार का एडा लाडला पोता है हरबंस सिंह भी सरकार इन्नी नमोशी च है कि वो विरुद्ध वो तो कलम चल नहीं रही परचा दर्ज करने वास्ते। सारे अफसर मान रहे हैं भी उन्हें गलती की है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उच्च तो उच्च पुलिस अधिकारी सारी जनता भी पता है, सबनों पता है कि उन्हें यह क्राइम किया, पर फिर भी जी एफ आई आर जी पुलिस रोज़ कटती है वो वास्ते हरबंस सिंह वास्ते कलम नहीं चल रही। इस वास्ते मैं सरकार प्रशासन पुलिस को सबनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी समझदा तो शेम शेम करदा सरकार तो प्रशासन के उत्ते कि वो क्यों नहीं यह जी कार्रवाई कर रही। तो जो सोच रहे हैं कि यह कार्रवाई जिन्ना जिन्ना समा बीत रहा ढिली पेगी तो मैं प्रशासन तो पुलिस को यह चेतावनी देना चाहना जिमें जिमें समा बीत रहा है यह कार्रवाई ढिली नहीं पैनी, यह कार्रवाई होर तेज होएगी। कल भी असी पूरे पंजाब दी बार्स दी एसोसीएशन नूं रिक्वेस्ट की सी कि वह साडे हक दे विच अदालतां दे विच कम ठप्प करन करन जिहदा बिल्कुल साडे हक विच पूरे पंजाब दी बार एसोसीएशन ने पूरा समर्थन किया। अज पूरे पंजाब दी अदालतां दे विच वकीलां ने जिहड़ा कम है ठप्प किया, हड़ताल की हुई है, मैं उन्हां दा बहुत धन्नवादी हाँ। सरकार नूं भी असीं इह चेतावनी दित्ती है भी जे एक घंटे के अंदर अंदर सानूं इत्थे कोई पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं आया, क्योंकि असीं कोई वेले इंसान नहीं हैगे, साडा असीं बड़े समाज दे देश दे बड़े जिम्मेवार इंसान आ, जिम्मेवार व्यक्ति आ, अहुदेदार आ, असीं अदालतां दे कम भी देखणे आ। असी इत्थे चार दिन हो गए बैठे पर अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जे एक घंटे के अंदर साडी कोई होर सुनवाई नहीं हुंदी तो यह जिहड़ा धरना है इत्थों घटेगा नहीं, अगले चौंक च जाके वधेगा ताकि चक्का जाम पूरे लुधियाने का किया जाएगा ताकि जिहड़ी सरकार है पुलिस प्रशासन है उन्हूं उत्थे जागना पवे। पर यह कार्रवाई हरबंस सिंह के उत्ते कार्रवाई तो बिना नहीं रुकनी, सरकार जिन्ना मर्जी साडे ते जोर ला ले, सानूं धमकियां आ रही ने, वरुण घरे पुलिस भी भेजी है या कोई अनऑफिशियल बंदे भेजे हैं, सानू नहीं पता उत्थों धमकियां आ रही हैं, सानू कह रहे हैं तुहाडे ते परचे दर्ज कर देंगे जिहड़ा तुसी इत्थे इकट्ठे हुए हो, बंदे जो मर्जी कर लैन साडे ते परचे दर्ज कर लैन, असी बसां च चढ़न नूं तैयार हाँ, लैण बसां साडे ते डांग मारनी डांग मार लैन, पर यह जिहड़ा परचा हरबंस सिंह ते होके रहेगा चाहे साडे खून दे नाल लिखा जावे यह परचा रुकना नहीं। मैं पुलिस ते प्रशासन नूं चेतावनी देना चाहना यह परचा किसी हाल च नहीं रुकना, जो मर्जी साडे ते कार्रवाई कर लैन पर हरबंस सिंह ते यह परचा दर्ज होके रहेगा, उन्हूं सस्पेंड करा के रवांगे, यह साडे वकीलां दे नाल इंसाफ की गल है, यह इंसाफ होके रहना चाहिए। थैंक यू सर। बीते दिन पुलिस महकमे ते वकील भाईचारे दे विच जो स्ट्राइक शुरू हुई सी तुसी वेख सकदे हो हले तक वो कंटिन्यू है ते इसका कोई हल नहीं निकल सकया है, क्योंकि हरबंस सिंह ने हले तक वकील भाईचारे तो कोई मुआफ़ीनामा नहीं किया है ते वकीलों का कहना है कि जे इस दे खिलाफ़ जल्दी तो जल्दी एक्शन नहीं लिता गया, हरबंस सिंह नूं जल्दी तो जल्दी सस्पेंड नहीं किया गया तो यह जो स्ट्राइक है सिर्फ लुधियाने तक सीमित नहीं रह जाएगी बल्कि पूरे पंजाब तक जाएगी। तुसी इस मामले बारे की कहना चाहते हो सानू कमेंट सेक्शन दे विच कमेंट करके जरूर दसो। वेखते रहो डेली हितैषी। वॉच डेली हितैषी वॉइस ऑफ नेशन।